डिस्कशन क्या क्या है उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए मैंने कल आपको बताया था दोस्तों कि इंग्लिश सेक्शन को यूजुअली प्रिपेयर करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजुअली उसको हमने थ्री सेक्शंस में थ्री स्टेप में उसका डिवीजन बताया था पहला जो था सेक्शन वो था रीडिंग सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेकंड था वॉकेबलरी एंड थर्ड वन वाज ग्रामर सेक्शन तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रेंशन से रिलेटेड आर सी से रिलेटेड आपको बहुत सारे ट्रिक्स थे, it, सारे बताए थे हाउ टू प्रिपेयर इट, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी आज के ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वाकबुल री ट्रिक मैंने आपको बताया था दो, दोस्तों वाकबुल जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो नियर अबाउट टेन टू ट्वेल्व मार्क्स कभी कभी फिफ्टीन मार्क्स तक के क्वेश्चन वाकेबुलरी से आते हैं और आपको मालूम है वाकेबुलरी हमारा स्ट्रांग होना इंग्लिश सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए या अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ही जरूरी है और आइए दोस्तों ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा वाकबुलरी ट्रिक्स क्या है जिससे हम अपने कॉम्पटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट एस सी माई फ्रेंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वंस अगेन आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू इफ यू आर अ न्यू कमर हियर दोन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइक बटन ओके सो लेटस स्टार्ट फ्रेंड टू डेज ट्रिक इज यू नी लाइकवाइज प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू मेनी ट्रिक्स जैसे हम लोग मैंने पिछले भी आपको ट्रिक बताया था जैसे एक लॉजी का ट्रिक बताया था लॉजी अगर एंड में वर्ड के एंड में आता है तो हमेशा वो स्टडी का सेंस देगा द या थियो का सेंस आता है स्टार्टिंग में तो वो आपको हमेशा गॉड का सेंस देगा वैसे ही आज मैं एक नया वर्ड लेके आया हूँ दोस्तों यूनी यूनी का जो जब भी किसी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर यूनि वर्ड आता है तो वो हमेशा सेंस देता है वन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों यूनी जब भी कोई वर्ड के एंड में सॉरी स्टार्टिंग में यूनी आता है मतलब यूनी से स्टार्ट हुए कोई भी वर्ड जब भी आते हैं तो उसका सेंस हमेशा वन का होता है तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि यूनी वर्ड से वन का सेंस कैसे मिलता है और कैसे कभी भी आप जब कोई भी यूनी वर्ड देखते हैं तो कैसे उसका आप सेंस निकालेंगे बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों आइए ऐसे पहले कुछ वर्ड एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहला दोस्तों उस सीक्वेंस में सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज यूनिकॉर्न 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 मीन अ लीजेंड्रिक क्रिएचर विथ वन हॉर्न मीन्स एक ऐसा काल्पनिक घोड़ा एक ऐसा क्रिएचर जिसके सिर पर केवल एक सिंग हो यूनी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ यूनी वर्ड स्टार्टिंग में आया हुआ है जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग में यूनी आता है तो दैट इज अ बाबुलरी ट्रिक कि उसका सेंस हमेशा हमेशा वन का लेना है तो यूनिकॉर्न मीन्स अ लीजेंड्रिकिएचर विथ वन हॉर्न एक ऐसा काल्पनिक घोड़ा जिसके सिर पर केवल एक सिंग हो ओके दोस्तों सी नाउ सी द सेकंड वन सेकंड इज यूनिफेस वन अगेंड यू कैन सी यर यूनिवर्ड यूनिफेस मींस अ डिजाइन दैट अपीयर्स ओनली ऑन वन साइड यू कैन सी अगेन वन वर्ड इज कमिंग यर वन साइड मीन्स यूनिफेस मीन्स अ डिजाइन दैट अपीयर्स ओनली ऑन वन साइड एक ऐसा सिक्का और मेडल जिसका दूसरा पार्ट जो हो वो खाली हो ब्लैंक हो मीन्स केवल वन साइड डिजाइन हो दो, ओके दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्सिट्यूट में भी पूछता है वन वर्ड सब्सट्यूट आप जानते होंगे दोस्तों कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछता है तो ऐसे वर्ड वन वर्ड सब्सिट्यूट में भी पूछ सकता है जैसे क्वेश्चन कोई पूछ देगा आई डिजाइन दैट अपीयर्स ओनली ऑन वन साइड उसके में चार ऑप्शन दे देगा जिसमें आपको पता होगा वन साइड है तो दैट इज यूनिफेस ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन थर्ड वन यूनिफोलियट वन सेकेंड यूनिवर्ड देख सकते हैं आप यूनिफोलियट यूनिफोलियट मीन बियरिंग अस एक पत्ती वाला मीन्स एक पत्ती वाला यू मेंियरिंग वन लीफ बियरिंग अ लीफ ऐसी एक पत्ती वाले जो हो उसे हम यूनिफोलियट कहते हैं नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज यूनी कलर वन सेकेंड यू कैन सी हेयर यूनी यूनी वर्ड इज हेयर यूनी मींस अगेन हम यूनी आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वन का से ज्यादा यूनी कलर मीन्स हैविंग ओनली वन कलर यू कैन सी हेयर माई फ्रेंड हैविंग ओनली वन कलर मीन्स एक कलर वाला है दूसरा हम दूसरे वर्ड एक और होता है वर्ड ये होता है मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड ईयर कलर दैट इज मोनोक्रोमैटिक मोनो मीन्स वन सिंगल मोनोक्रोमैटिक हैविंग ओनली वन कलर ऐसी चीजें जहां पर केवल ओनली वन कलर हो दैट इज कॉल्ड यूनिक कलर एंड इन अनदर वर्ड यू कैन से मोनोक्रोमेटिक सो यू के अंडरस्टैंड यर यूनिक कलर इट इज अस्ट सिनोनिम सिनोनिम मोनोक्रोमेटिक तो यहाँ आपका एक सिनोनिम एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर सिनोनिम भी आपका और साथ में वन वर्ड सब्स्यूट भी बाका बोलरी के लिए आपका यहाँ स्ट्रांग होगा मोनोक्रोमेटिक दैट मीन हैविंग ओनली वन कलर कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड यूनिफ्लोरस यूनिवर्ड फिर से आपको मिल रहा है यूनिफ्लॉरस यूनिफ्लोरस मीन है यहां पर हैविंग ओनली वन फ्लावर मीन्स वे वी आर गेटिंग ओनली वन फ्लावर दैट इज कॉल्ड यूनि फ्लॉरस फिर से आपको यूनिवर्ड मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग योर वन हैविंग ओनली वन फ्लावर नेक्स्ट इज यूनिसाइकल फिर से आप देख सकते हैं यूनिवर्ड यूनिसाइकल यूनिसाइकल यूनि हैविंग वन व्हील व्हीकल मीन्स सच व्हीकल विच इज हैविंग ओनली वन व्हील एक पहिये वाला वाहन मीन्स यूजअली सच टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दैट इज हैविंग ओनली वन व्हील दैट इज कार्ड यूनीसाइकल यूनिसाइकल मीन हैविंग वन व्हील व्हीकल मीन्स सच व्हीकल्स विच हैव ओनली वन व्हील इज कार्ड यूनीसाइकल एक पहिए वाला वाहन ओके दोस्तों कमिंग टू द नेक्स्ट वन सेवंथ पॉइंट सेवेंथ पॉइंट यू में सी हियर यूनिशन फिर से वर्ड आपको मिला यूनिशन मीन अकॉर्ड आर एग्रीमेंट आर यू में से एकता मेल किसी भी पॉइंट पर एकता या मेल दो पार्टी का अलग अलग पार्टी का जो मेल बनता है दैट इज अकॉर्ड आर एग्रीमेंट इन हिंदी से ही एकता और मेल यूनिशन फिर से आपको यूनि मिल रहा है नेक्स्ट इज यूनिफाई फिर से आपको यूनी uni मिलेगा यूनिफाई यूनिफाई मीन टू मेक इंटू वन आर टू मेक इंटू अ यूनिट माय फ्रेंड यू मस्ट हैीकरण करना मीन्स इंटीग्रेट इंटीग्रेशन यू मस्ट है एकीकरण करना इंटीग्रेट करना देट मीन यूनिफाइड यूनिफाई यूनिवर्ड आपको दिख रहा होगा यूनिफाई फिर से आप देख सकते हैं यू एन आई एफ वाई यू एन आई एफ वाई यूनिफाई फिर से आप देख सकते हैं दोस्तों यूनिफाई मीन टू मेक इंटू वन आर मेक इंटून एकीकरण करना टू इंटीग्रेट ओके कमिंग टू द सेकेंड लास्ट वन यूनिमैनुअल फिर से आपको यूनी मिल रहा है यूनिमैनुअल यूनिमैनुअल मीन्स डन विथ वन हैंड डन विथ वन हैंड फिर से आप देख सकते हैं वन वर्ड आ रहा है इसके सेंस में यूनिमैनुअल के सेंस में एक हाथ से किया गया काम मीन दर्क द वर्क विच इज डन विथ ओनली वन हैंड दैट इज कार्ड यूनिमैनुअल यूनिमैनुअल मीन कोई काम जो एक हाथ से किया जाए दैट इज कार्ड यूनिमैनुअल एंड इन द सेम सिक्वेंस द लास्ट वर्ड इज यूनिलैटरल यूनी लेटरल फिर से आपको वर्ड मिलना होगा यूनी लेटरल मीन डन बाई वन साइड आर पार्टी वन का सेंस दे रहा है फिर से यहां पर डन बाई वन साइड आर पार्टी मीन्स किसी एक पक्ष द्वारा की गई हौसला मीन्स सच अनाउंसमेंट दैट इज डन बाई ओनली वन साइड आर पार्टी द वर्ड इज कार्ड यूनीटरल यूनी लेटरल मीन्स किसी एक पक्ष द्वारा की गई हौसला डन बाई वन साइड आर ओनली वन पार्टी सो माई फ्रेंड यू हैव सीन यर यूनीर्ड इन द सेम वे सो मैनी वर्ड्स आर देयर दैट स्टार्ट विथ यूनी सो अगर यूनी से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम तो हम तुरंत ही समझ जाएंगे कि वो हमेशा जो सेंस देगा जो रूट वर्ड होगा दैट इज वन साइड ओके वन का सेंस हमेशा वो देना है तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है इस अभी तक के इस वर्ड में कि यूनी वर्ड जब भी आता है तो हम वन का सेंस उसे लेंगे और वो हमेशा वन का सेंस देगा ऐसे हम लोगों दोस्तों ने हम लोगों ने कम से कम टेन वर्ड्स देखें जिसमें यूनी से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ड और हमेशा वो सेंस दे रहा है वन का उसी सिक्वेंस में दोस्तों एक हम लोग और ट्रिक देखेंगे साइड सी आई डी ई अगर किसी भी वर्ड के एंड में साइड आता है तो उसका सेंस कीलिंग का आता है अगर किसी भी वर्ड के एंड में साइड आता है याद रखेंगे ये यूनी जो है स्टार्टिंग में आता है और ये साइड कहाँ आएगा एंड में आएगा अगर किसी वर्ड के एंड में साइड वर्ड आता है तो वो हमेशा सेंस देगा कीलिंग का ठीक है दोस्तों तो देखते हैं कि कैसे कौन से वर्ड में साइड एंड में आते हैं और वो सेंस कैसे वो कीलिंग का देते हैं तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहला जो उसमें वर्ड है दैट इज सुसाइड आई थिंक इट इज मोस्ट कॉमन वर्ड इट इज वेल नोन टू एवरी वन एवरीबडी नो अबाउट दिस सुसाइड सुसाइड मीन

किलिंग ऑफ अंग किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग होमिसाइड मीन किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग किसी भी ह्यूमन बीइंग किलिंग करना हत्या करना मर्डर करना दैट इज होमसाइड साइड वर्ड लास्ट में आ रहा है इन द सेम सिक्वेंस नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड रेजिसाइड फिर से साइड वर्ड सी आई डी साइड आ रहा है रेजिसाइड मीन किलिंग ऑफ अ किंग वेन वी आर किलिंग अंग देन दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड रेजिसाइड मीन किलिंग ऑफ अ

फ्रेंड साइड आप देख सकते हैं लास्ट में साइड दिख रहा है तो इसका सेंस होता है द मर्डरिंग ऑफ वंस ओन वाइफ आर द किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ फिर से मर्डरिंग या किलिंग का सेंस दे रहा है दोस्तों यू ऑक्सीड मींस द मर्डरिंग ऑफ वंस ओन वाइफ ओके सो इन द सेम सिक्वेंस टोल्ड यू फ्यू ऑफ दर्ड्स Which are ending with side. Side, जब भी एंड हो रहा है तो हमेशा किलिंग या मर्डर का मारने का सेंस वो दे रहा है एंड का सेंस दे रहा है तो याद दोस्तों जब भी किसी वर्ड के एंड में साइड आता है सी आई डी ई साइड वर्ड आता है तो आपको समझ जाना है कि साइड अगर दिया हुआ है तो हमेशा वो किलिंग का सेंस देगा और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले कि अगर यू नहीं आता है तो हम लोग उसका सेंस समझ जाएंगे कि वो वन का सेंस देगा तो इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने दोस्तों हमारे कुछ वीडियोज़ में कुछ और वर्ड्स पढ़े थे जैसे लॉजी हम लोगों ने पढ़ा था अगर लॉजिक किसी वर्ड के में आ रहा है तो इसका सेंस हमेशा आता है स्टडी और एक वर्ड हम लोगों ने और पढ़ा था कि अगर द या थियो से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसका सेंस देता है हमेशा गॉड का तो ये कुछ ट्रिक होते हैं दोस्तों जो हम लोगों ने यू नहीं पढ़ा साइड लॉजी द, द दिया दियो ये कुछ ट्रिक हम मैंने आपको बताया जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं जिन सारे वर्ड्स को हम लर्न नहीं कर सकते हैं कल के भी मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम किसी वर्ड को लर्न करें तो उसको प्रॉपर ढंग से तो उसके सारे पार्ट्स को लर्न करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू उसको हम लर्न करें तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम सारे वर्ड को लर्न नहीं कर सकते लेकिन ऐसे कुछ ट्रिक के द्वारा हम बहुत आसानी से उस वर्ड को कैच कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते समय उन सारे वर्ड को प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि केवल इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट नहीं है आपको इसके अलावा मैथ्स को प्रिपेयर करना रीजनिंग प्रिपेयर करना है कंप्यूटर प्रिपेयर करना है उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस जीए प्रिपेयर करना है तो इसलिए दोस्तों तो ऐसे कुछ ट्रिक के द्वारा आप बहुत आसानी से इंग्लिश को क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं क्योंकि तो जैसे आप यूनिवर्ड देख लेंगे तो आपको पता चल जा जाएगा कि वो सेंस क्या देगा साइड अगर किसी वर्ड के अंदर आएगा तो क्या सेंस देगा लॉजी एंड में आएगा तो क्या सेंस देगा या द या दियो से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या सेंस देगा तो so, दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे भी हमारे ऐसे ही ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन इंग्लिश कॉम्पिटिशन से रिलेटेड मिल सकेगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के नए ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन लेकर के तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू गुड बाय